तो गाइस आप सब जानते हैं कि जॉन सीना का WWE करियर काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल और काफ़ी लंबा रहा है। और गाइस इसी बीच जॉन सीना के काफ़ी दोस्त दुश्मन बने WWE में। और गाइस इस वीडियो में बात करेंगे चार ऐसे सुपरस्टार की जो कि जॉन सीना के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और चार ऐसे सुपरस्टार जो कि जॉन सीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो गाइस सबसे पहले शुरुआत करते हैं जॉन सीना के फ्रेंड से और यहाँ पर सबसे पहले नाम आता है रैंडी ऑर्टन का। अब आप सब जानते हैं कि रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना एक साथ कितनी बार काम कर चुके हैं। और गाइस WWE मेन रोस्टर डेब्यू करने से पहले OVW में दोनों सुपरस्टार एक साथ काम कर चुके हैं और वहीं से इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। और मेन रोस्टर पर इतने साल काम करने के बाद गाइस इनकी फ्रेंडशिप और भी ज़्यादा गहरी हो चुकी है और आप इन दोनों सुपरस्टार को एक बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो। और वो चीज़ हमें इनके मैचेस में भी देखने को मिलती है जहाँ पर इनकी स्टोरी लाइन काफ़ी कमाल होती है और मैचेस भी एकदम ज़बरदस्त होते हैं। और गाइस कह सकते हैं जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन है एक बेस्ट फ्रेंड। अब गाइस दूसरे सुपरस्टार की बात करते हैं तो गाइस यहाँ पर नाम आता है समोआ जो का। अब गाइस मैं आपको बता दूं कि WWE में आने से पहले जब जॉन सीना इंडिपेंडेंट सर्किट में काम करते थे 2000 के पास, वहाँ पर गाइस उनके दोस्त बने थे समोआ जो। और तभी से समोआ जो ने बताया कि वो और जॉन सीना एक साथ काफ़ी घूमा करते थे, ट्रैवल एक साथ करते थे और वहीं से उनकी दोस्ती बनी थी। और इसके बाद हम सब जानते हैं कि दोनों सुपरस्टार अब WWE के लिए काम करते हैं और गाइस आज भी ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। अब नंबर 3 की तरफ चलते हैं और गाइस यहाँ पर नाम आता है द रॉक का। अब गाइस इन दोनों की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि इन दोनों की जब फ्यूड की शुरुआत हुई थी 2011 में, तभी हम क्लियरली देख सकते थे ये दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और शायद वो एक बड़ा रीज़न था। इनके प्रोमो में इन्हें ज़बरदस्त देखने को मिलते थे, राइवलरी इतनी आइकॉनिक है और मैच भी काफ़ी बढ़िया था WrestleMania 28 का। लेकिन गाइज उसके बाद जैसे जैसे इन दोनों सुपरस्टार ने एक साथ काम किया और ज़्यादा इन दोनों की रिस्पेक्ट बढ़ती गई एक दूसरे के लिए और उसके बाद गाइज ये दोनों सुपरस्टार काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। और द रॉक एंड जॉन सीना दोनों इस बात को एडमिट भी करते हैं कि पहले एक टाइम था एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। अब गाइज लास्ट सुपरस्टार की बात करते हैं इस लिस्ट के और गाइज यहाँ पर नाम आता है सिजारो का। अब गाइज आप सब जानते हैं कि सिजारो ने जब WrestleMania 30 में एंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल जीता था, तब सब लोग लग रहा था कि सिजारो को फाइनली पुश मिलेगा और वो एक टॉप स्टार बन सकते हैं। और तभी जॉन सीना की नज़रें भी सिजारो पर गई थी और जॉन सीना तभी से सिजारो को काफ़ी पसंद करते थे, जिसके बाद जॉन सीना और सिजारो के बीच मैचेस भी हुए और जॉन सीना और भी ज़्यादा पसंद करने लगे सिजारो को। और इसके बाद सिजारो को काफ़ी ज़्यादा जॉन सीना ने प्रेज भी किया और वहीं से इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई जहाँ पर ये दोनों एक साथ जिम बडीज भी बन चुके हैं और आज भी जॉन सीना एंड सिजारो काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं। और गाइस ये थे वो चार सुपरस्टार जो कि जॉन सीना के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। अब हम बात करते हैं उन सुपरस्टार की जो कि जॉन सीना को पसंद नहीं करते और एक तरीके से आप इन्हें जॉन सीना का एनिमी भी कह सकते हैं। और यहाँ पर लिस्ट में नंबर 1 नाम आता है ब्रॉक लेजनर का। अब गाइज आप सबको पता है कि जॉन सीना काफ़ी और ब्रॉक लेजनर की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन गाइज कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई थी जिसमें बताया जा रहा था कि ब्रॉक लेजनर जॉन सीना के काफ़ी बड़े फैन नहीं है और वो जॉन सीना को पसंद नहीं करते। अब गाइज ये रिपोर्ट है इसलिए हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं है जिसमें कहा गया हो कि ब्रॉक लेजनर जॉन सीना को पसंद करते हैं। और जॉन सीना के बारे में ब्रॉक लेजनर ने ऐसी कोई स्टेटमेंट भी नहीं दी है जिसे हम ये कह सकें कि जॉन सीना और ब्रॉक लेजनर काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। और गाइस जिस तरीके का ब्रॉक लेजनर का एटीट्यूड है, देखकर लगता है शायद जॉन सीना और ब्रॉक लेजनर आपस में दोस्त नहीं है। लेकिन हम नंबर 2 की तरफ चलते हैं और गाइस यहाँ पर नाम आता है वेड बैरेट का। अब गाइस आप सबको पता है कि नेक्सस का जब हमें डेब्यू देखने को मिला था, तब काफ़ी फैंस की नेक्सस ने अटेंशन ग्रैब करी थी क्योंकि उनकी फ्यूड हमें देखने को मिली थी सीन एशियन लीडर जॉन सीना के साथ, जिसके बाद समर स्लैम में इनका टैग टीम मैच भी हुआ था टीम WWE वर्सेस टीम नेक्सस। और वहाँ पर आप सब जानते हैं कि जॉन सीना की टीम ने नेक्सस को हरा दिया था और उसके बाद से नेक्सस के काफ़ी मेंबर्स का ऐसा माना था कि जॉन सीना ने हमें बरी कर दिया है। और इसी बीच गाइस वेड बैरेट जो कि नेक्सस के लीडर थे, उन्होंने भी काफ़ी बार कहा कि जॉन सीना वो सुपरस्टार थे जिनकी वजह से नेक्सस का पुश रुका और उन्हें भी पुश नहीं मिला और जॉन सीना की वजह से हम कंपनी के टॉप स्टार नहीं बन पाए। और जॉन सीना के बारे में रिसेंटली 2015 में वेड बैरेट ने कहा था कि वो जॉन सीना की तरफ देखते भी नहीं हैं और जॉन सीना भी उनकी तरफ ऐसा कुछ देखते नहीं हैं और इन दोनों के बीच फ्रेंडशिप नहीं है। अब गाइस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर नाम आता है एलेक्स रायली का। अब गाइस अगर WWE आप बहुत पहले देखते थे तो आपको याद होगा कि कैसे 2010-12 के दौरान हमें एलेक्स रायली और मिज की टैग टीम में देखने को मिलती थी। और गाइस तभी बताया जा रहा था कि जॉन सीना ने बैकस्टेज एक मजाक किया था एलेक्स रायली के साथ जो कि उन्हें पसंद नहीं आया, जिसके बाद से दोनों के बीच काफ़ी टेंशन बढ़ चुकी थी और एक दूसरे को पसंद बिल्कुल भी नहीं करते थे ये दोनों सुपरस्टार। और बताया जाता है कि उसी वजह से एलेक्स रायली का पुश भी रुक गया था। और एलेक्स रायली काफ़ी बार कह चुके कि जॉन सीना वो सुपरस्टार थे जिनकी वजह से उन्हें WWE में टॉप पुश नहीं मिला जो कि वो डिज़र्व करते थे। और गाइस इसे क्लियर पता चलता है कि इन दोनों सुपरस्टार के बीच में काफ़ी टेंशन है और ये भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अब गाइस लिस्ट के अगले सुपरस्टार की बात करते हैं और यहाँ पर नाम आता है रैबैक का। अब गाइस
सब जानते हैं कि रायबैक काफ़ी सुपरस्टार को क्रिटिसाइज करते रहते हैं और उनके बारे में भी काफ़ी सुपरस्टार का कहना है कि वो अनसेफ वर्कर हैं। और इसी लिस्ट में जॉन सिन्हा का भी नाम था जिन्होंने WWE मैनेजमेंट से उनकी कंप्लेन करी थी। और उसके बाद से आप कह सकते हैं रायबैक और जॉन सिन्हा के बीच काफ़ी टेंशन हो गई थी और रायबैक ने ऐसा कहा था कि जॉन सिन्हा न्यू टैलेंट्स को ओवर नहीं करने देते और जॉन सिन्हा की वजह से न्यू टैलेंट्स बरी हो जाते हैं क्योंकि जॉन सिन्हा को डर लगता है कि कोई न्यू टैलेंट आकर उनकी जगह ना ही ले ले। और गाइस ये स्टेटमेंट से एकदम क्लियरली पता चलता है कि जॉन सिन्हा को रायबैक पसंद नहीं करते और इन दोनों सुपरस्टार के बीच में फ्रेंडशिप नहीं है। और गाइस ये थे वो सभी सुपरस्टार जो कि जॉन सिन्हा के फ्रेंड्स भी हैं और जॉन सिन्हा के दुश्मन भी। और गाइस उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो गाइस इस वीडियो को लाइक किए बिना तो कहीं मत जाना और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं। और गाइस साथ ही साथ आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी WWE से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।